टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई और अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल के बीच DND ऐप को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है, जहां ट्राई ने साफ कर दिया है कि अगर किसी डिवाइस में DND 2.0 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया जाता है तो उस डिवाइस को टेलीकॉम कंपनियों अपने नेटवर्क से डिरजिस्टर्ड कर देंगी, जिसका मतलब यह हुआ कि उस डिवाइस पर कोई भी भारतीय नेटवर्क काम नहीं करेगा। वहीं एप्पल का कहना है कि DND 2.0 ऐप से प्राइवेसी को खतरा है और वो उसे ऐप स्टोर पर इंस्टॉल नहीं करेगी। इसके लिए एप्पल कानूनी लड़ाई को भी तैयार है। अगर एप्पल अपने आईफोन्स में DND ऐप इंस्टॉल नहीं करती है तो उस पर भारतीय नेटवर्क काम नहीं करेगा और फिर एक तरह से भारत में आईफोन्स बैन हो जाएंगे। इसलिए आज हम एप्पल ट्राई की लड़ाई से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं जो हर यूजर को जानना जरूरी है। सवाल एक, ट्राई का आदेश क्या है? जवाब, ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस आदेश में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 6 महीने के अंदर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके नेटवर्क पर रजिस्टर्ड सभी डिवाइस पर DND 2.0 ऐप इंस्टॉल हो और उसी के तहत नेटवर्क मिले। सवाल दो, ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो क्या होगा? जवाब, अगर किसी डिवाइस पर DND 2.0 ऐप इंस्टॉल नहीं होता है तो अथॉरिटी नियम के अनुसार उस टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने नेटवर्क से डिवाइस को अनरजिस्टर्ड करने को कह सकती है ताकि उस डिवाइस पर नेटवर्क काम नहीं करे। सवाल तीन, ट्राई ने ये नियम क्यों बनाया? जवाब, दरअसल ट्राई ने ये नियम फेक कॉल्स और स्पैम मैसेज को रोकने के लिए बनाया है। सवाल चार, ट्राई और एप्पल के बीच किस बात की लड़ाई है? जवाब, ट्राई ने फेक कॉल्स और स्पैम मैसेज रोकने के लिए DND 2.0 ऐप बनाई है जिसको वो एप्पल के ऐप स्टोर पर इंस्टॉल कराना चाहती है, लेकिन एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पर ट्राई की ऐप को इंस्टॉल करने से मना कर दिया है। सवाल पांच, एप्पल ने ट्राई की ऐप को इंस्टॉल करने से क्यों मना किया? जवाब, एप्पल का कहना है कि ट्राई की DND ऐप यूजर्स के कॉल और मैसेज रिकॉर्ड करती है जो उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है। सवाल छह, एप्पल ने मना कर दिया तो क्या होगा? जवाब, एप्पल ने ऐप स्टोर में ट्राई की ऐप को इंस्टॉल करने से मना कर दिया है जिसके बाद ट्राई सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने नेटवर्क से आईफोन्स को डिरजिस्टर्ड करने को कह सकती है। सवाल सात, आईफोन्स डिरजिस्टर्ड हुए तो क्या होगा? जवाब, अगर आईफोन्स को नेटवर्क से डिरजिस्टर्ड कर दिया जाता है तो फिर इन फोन पर भारतीय नेटवर्क काम करना बंद कर देंगे। सिर्फ आईफोन्स ही नहीं बल्कि वो सभी डिवाइस जो ऐप पर काम करती हैं उनमें भी नेटवर्क काम नहीं करेगा। सवाल आठ, क्या आईफोन्स की बिक्री पर भी असर होगा? जवाब, हाँ बिल्कुल, इसके कारण भारत में आईफोन्स की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने अपने फैसले से ट्राई को नाराज किया है और इस वजह से भारत में आईफोन्स की बिक्री भी बंद हो सकती है। सवाल नौ, एप्पल के पास अब क्या रास्ता है? जवाब, ट्राई के फैसले के खिलाफ एप्पल कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। एप्पल का कहना है कि ट्राई किसी नेटवर्क को ऐप इंस्टॉल करने के लिए दबाव नहीं बना सकती है। एप्पल का ये भी कहना है कि ट्राई को पहले ही बता दिया था कि iOS 12 में नया फीचर जोड़ा गया है जिससे फेक कॉल्स और मैसेजेस को ब्लॉक किया जा सकेगा। सवाल 10, क्या एंड्रॉयड यूजर्स पर भी इसका असर होगा? जवाब, नहीं, क्योंकि गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर ट्राई की DND 2.0 ऐप को इंस्टॉल करने की अनुमति दे रखी है।